गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन। ये भी आपने पूछा क्वेश्चन, थोड़ा सा टिपिकल है, या देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कैसे इनको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट इट बी वन। Now after this what you have to write symbolic form. Now symbolic form, abbreviated form SF of one is what? dy/dx is capital D. The operator, differential operator d square minus y, ये बन y common ले लिए यहाँ, तो ये बन बन गया। और दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ राइट डाउन ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और इट इम्प्लाइज डी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, डी इज इक्वल टू वन प्लस माइनस वन। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, जब दो रूट्स दो वैल्यूज रियल नंबर्स आए तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी वन ई रेस टू पावर, फर्स्ट वैल्यू क्या है वन ई रेस पावर एक्स, टू होता तो लिख देते ई रेस पावर टू एक्स, प्लस सी टू ई रेस टू पावर माइनस एक्स। Now this is the complementary function. Now after this we have to find particular integral. Now how will you find? Is it clear student? Sab questions mein jab bhi differential equation with constant coefficients hoti hai inko solve karna hai, is side bhi function ya dekho do functions ka product hai cos aur ye x square, kaise in questions ko karte hain ये आपने ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स कैसे इसको करेंगे, तो इसके बाद हम निकालेंगे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। इतना सबको क्लियर हो गया, कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना होगा। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इट इज इक्वल टू वन अपॉन क्या, ऑपरेटर क्या है डी स्क्वायर, सॉरी स्टूडेंट्स बस यही है मैडम का बोर्ड, डी स्क्वायर माइनस वन तो नहीं गया होगा, दिख रहा होगा इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल ये हो गया वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन, ये तो क्लियर है ना आपको। इनटू राइट हैंड साइड क्या है, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है डी स्क्वायर माइनस वन इंटू बाई, तो वो डी स्क्वायर माइनस वन जो भी हो उसका बाई का कोएफिशिएंट वो लिखते हैं, क्लियर। हाँ, और ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। तो स्टूडेंट्स जब भी x cos x आए वो तो अलग तरह से होगा क्वेश्चन, पर ये थोड़े टिपिकल क्वेश्चन, जब x स्क्वायर है साथ में cos x प्रोडक्ट, कैसे इस क्वेश्चन को करना है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा। तो cos x, यू नो वन थिंग, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए cos x आता है उसमें क्या, वो रियल पार्ट होता है किसका, e रेस्ट पावर आयोटा एक्स। नाउ स्टूडेंट सी, e रेस्ट पावर आयोटा एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, देयरफॉर वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसको, तो कॉस एक्स की जगह लिखेंगे हम रियल पार्ट ऑफ e रेस्ट पावर आयोटा एक्स, क्योंकि कॉस एक्स जो है रियल पार्ट है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ
ये तो सारा चलेगा, वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर है और ये किसका रियल पार्ट है, इसकी वजह से लिखना पड़ रहा है सारा e रेस टू पावर आयोटा x। अच्छी तरह समझना है ये आपने। और दिस इज इक्वल टू, अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये रियल पार्ट किसका, रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले लिख लेते हैं, e रेस टू पावर आयोटा x एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यू नो जब भी एक्स स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर ले आते हैं। तो बाहर लाने के लिए जैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बाहर ले आएंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर आ गया ई रेस पावर आयोटा एक्स, ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, जब ये बाहर लिखते हैं तो डी की जगह क्या हो जाता है, डी प्लस एक्स का जो कोफिशिएंट हो इसमें क्या है आयोटा, तो क्या हो जाएगा वो डी प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर। क्लियर, रियल पार्ट तो लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉस एक्स की जगह हमने रियल पार्ट ऑफ ई रेस्ट पावर आयोटा एक्स लिखा है, और दिस इज इक्वल टू चतुर्मुख। क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ किसका ई रेस टू पावर, ये लिखेंगे ना आयोटा एक्स वन अपॉन, इसको खोल लो ब्रैकेट, डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस टू आयोटा डी माइनस वन, और ये क्या आ गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, कुछ नहीं ब्रैकेट खोल ली मैंने, कुछ नहीं किया, और विच इज रियल पार्ट ऑफ, अब इसका यूज कर लिया, इसको साफ कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ किसका e रेस्ट पावर आयोटा एक्स वन अपॉन, स्टूडेंट्स यू नो डी स्क्वायर, यू नो आयोटा स्क्वायर इज व्हाट माइनस वन, तो क्या बना मेरे बच्चों ये माइनस वन माइनस वन माइनस टू प्लस टू आयोटा डी, और दिस इज एक्स स्क्वायर। क्लियर दिस, और दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ ई रेस्ट टू पावर आयोटा एक्स वन अपॉन, तो सी जब भी हमारे पास ऐसा होता है अलजेब्रिक फंक्शन या हम बाइनोमियल फॉर्म में इसको लिखते हैं तो क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट टर्म माइनस टू डिसेंडिंग ऑर्डर में डी की टू आयोटा डी, फिर प्लस डी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये बन गया आपका। और अब हम जब भी इसको बाइनोमियल में लिखें फर्स्ट टर्म जो है वो बन लिखनी होती है, बन लिखने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, माइनस टू कॉमन लेना होगा, तो रियल पार्ट सब बताया आपको, ये तो रिवीजन हो रहा है ई रेस्ट आयोटा एक्स, ये जिन बच्चों को प्रॉब्लम थी चलो बता देती हूँ, माइनस टू बाहर क्या बचा अंदर, बन माइनस बन लग से रखना बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स में, जो आगे की ऐसे तो तीन है, अगली दो जो है वो एक में रखनी है, तो माइनस कॉमन ले लिया और इसको ब्रैकेट लगा लो, चाहे माइनस यहाँ आ गया इसका भी माइनस बाहर आ गया, टू कॉमन आ रहा है तो क्या बचा स्टूडेंट्स आयोटा डी, और दिस प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू, क्लियर, और ये एक्स स्क्वायर। दिस देख लीजिए, चाहे ये बचेगा, कॉपी पेंसिल लेके करना इसको, और ये स्टेप तो रखना पड़ेगा, यहां से मैडम को लिखना होता है, याद थोड़ी होता मैथ्स में, तो ये क्या है माइनस वन अपॉन टू, बाहर ले लिया कांस्टेंट, अब लिखा मैंने रियल पार्ट ऑफ किसका, माइनस वन बाई टू बाहर, अब लिख रही हूं रियल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स किसका, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या बनाएंगे वन माइनस आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन टू पावर माइनस वन,
ऊपर चला गया तो पावर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर और विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू रियल पार्ट ऑफ किसका, ये वन माइनस एक्स रेस पावर माइनस वन हो गया, क्या होता है ये वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, पता है ना प्लस एक्स क्यूब, वैसे तो कहां तक लेना है हमने, वहां तक लेना होता है जहां मतलब क्योंकि डी डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स बन जाएगा, डी स्क्वायर का टू बनेगा, क्यूब लेंगे डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, उसका लेने का कोई फायदा नहीं है, तो यहां से जो भी टू तक मतलब डी की पावर टू हो वहां तक टर्म्स लेनी, तो क्या हो गया वन प्लस एक्स होगा वो तो ये आएगा आयोटा डी प्लस डी स्क्वायर बाई टू, चाहिए ये डी स्क्वायर क्योंकि टू तक जाएगा, क्यूब हो तो जीरो बन जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव लेंगे फिर से तो जीरो हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ स्टॉप कर देंगे, जब इसका स्क्वायर लेंगे अगली टर्म होगी प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसका स्क्वायर जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी स्क्वायर आएगा, तो प्लस समझ रहे प्लस आयोटा डी स्क्वायर प्लस आयोटा डी स्क्वायर कितना हो गया, आयोटा का भी स्क्वायर हुआ डी का भी स्क्वायर हुआ, तो कितना हुआ स्टूडेंट माइनस डी स्क्वायर, वो क्लियर प्लस बन गया है, तो ये साथ में इसका आप समझने की कोशिश कीजिए वन प्लस एक्स वो तो ये आ गया, मैं बोल रही हूँ डी की पावर टू तक की लेनी, थ्री ले ली तो वो डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, तो फिर अगला जब इसका स्क्वायर करेंगे पहली का स्क्वायर इसका स्क्वायर फोर हो जाएगा, तो डी की पावर फोर तो चाहिए नहीं, जब प्रोडक्ट करेंगे क्यूब हो जाएगा, तो हम यही स्टॉप कर देंगे इंटू क्या होगा ये एक्स स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं ये टिपिकल क्वेश्चन माइनस वन बाई टू रियल पार्ट ऑफ किसका स्टूडेंट इसका, जब इससे करो अब ये एक्स होगा डी डेरिवेटिव लो एक बार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, समझ रहे हो आप रिवीजन है ये क्या है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, तो स्टूडेंट्स बन गया ये टू आयोटा एक्स, अब एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव एक बार लिया टू एक्स फिर से लिया टू, तो टू पॉइंट टू कितना हो गया स्टूडेंट्स वन, क्लियर और फिर इसका लिया टू एक्स फिर से लिया टू तो कितना बन गई माइनस टू, दिस जब इससे मल्टीप्लाई किया दिस इज एक्स स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट्स माइनस हाफ रियल पार्ट ऑफ बट वो कहां चला गया रियल पार्ट ऑफ सबके साथ पुत्र वो भी लगता रहे ना ई रेस पावर टैक्स, चाहे इसको यहां लिख लो यहां लिखो ये वही कर दिया ई रेस पावर टैक्स, कहां जाएगा वो कहीं भी नहीं जाएगा, पीछे भी उसको अटैच कर लेना ई रेस पावर टैक्स वो कहीं नहीं मतलब इसी में है बाय मिस्टेक वो छूट गया, उसको छोड़ना नहीं लिख लेना पिछले उसमें मैंने तो साफ कर दिया ना, ये ध्यान ना आया अभी कि ईरेस पावर टैक्स तो कहाँ गया इसका, वो साथ में अटैच करना बच्चों, तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस टू आयोटा एक्स, दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू आयोटा एक्स, अब इसके बाद देखो कितना मैथ्स की एक बड़ी खासियत यही है कि इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, पूरा का पूरा देखना ही क्वेश्चन और दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस वन बाई टू रियल पार्ट ऑफ ई रेस पावर आयोटा एक्स लिखना है, तो रियल पार्ट ऑफ ई रेस पावर आयोटा एक्स का लिखना है तो लिख दो यहां रियल पार्ट ऑफ किसका ई रेस पावर आयोटा एक्स है क्या आप कॉस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स, अब खोल लो इसको क्या है ये कॉस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स इंटू ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अयोटा एक्स, ये है इसके साथ क्योंकि अब लेना है हमने रियल पार्ट ही लेना है फिर इसको खत्म करेंगे, पहले इसका ही रेस अयोटा एक्स का लिख लेते हैं, ये जो है वो कॉस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स है, फिर माइनस वन बाई टू रियल पार्ट ऑफ दिस
ये लिखेंगे। अब रियल पार्ट ले ही लेते हैं, वो क्या है देखो स्टूडेंट, जिसमें आयोटा नहीं होगा वो रियल पार्ट होगा। कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया आपका एक एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स, ये रियल पार्ट हो गया। अब कॉस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा, तो इमेजिनरी पार्ट तो हमने लेना नहीं है, रियल पार्ट ले रहे हैं। फिर आयोटा साइन एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा साइन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन आयोटा वाली टर्म बनी, तो ये भी नहीं लेना है हमने। फिर आयोटा साइन एक्स को टू आयोटा एक्स से किया तो आयोटा आयोटा क्या बन गया स्टूडेंट, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज व्हाट माइनस वन, तो क्या बन गया ये माइनस टू एक्स साइन एक्स। नाउ दिस इज माइनस वन बाई टू, ये आ गया आपका माइनस वन बाई टू रियल पार्ट के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वन कॉस एक्स माइनस टू एक्स साइन एक्स। नाउ दिस इज द पर्टिकुलर इंटेग्रल, दिस इज द पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो डस्टर कहाँ चला गया, अब कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल विच इज कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, सी वन ई रेस पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस पावर माइनस एक्स, और पर्टिकुलर इंटेग्रल इज व्हाट माइनस वन बाई टू, क्या है ये एक्स के माइनस वन कॉस एक्स क्लियर माइनस टू एक्स साइन एक्स। नाउ दिस इज द आंसर, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। इसी तरह से आपने क्वेश्चन करना है एक्स के साइन एक्स जिसकी राइट साइड में हो तो उसमें इमेजिनरी पार्ट लेना होगा, तो प्लीज एक क्वेश्चन करिए, खुद करिए स्टूडेंट्स, और मुझे बताइए आपको समझ आया कि नहीं। ओके कल मिलते हैं।